नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए जिले के बिहार थाना के अंतर्गत सीआरपीएफ जवान के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने जवान उदय शंकर के घर का ताला तोड़कर 50,000 नकदी और सोने चांदी के जेवर अपने साथ ले गए। इसकी कुल कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही है। दरअसल होली को लेकर परिवार गाँव गया हुआ था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में दिघोन पंचायत के वार्ड नंबर 3 में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को बेलदौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। भतीजा खास हुए, इसको जमीन नहीं दिया है, पूरा जमीन जोत के वही खाता है जबरदस्ती। कौन? नसीम सजीम मसीद, उस सबको इसका चचा और खास जो चचा हुए। मोतिहारी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दवा दुकानदार की हत्या मामले में 3 को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंझार गांव में एक दवा दुकानदार विवेक कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए थे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। बघा के रामनगर प्रखंड में एक घर में अचानक आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों की सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में काफी नुकसान हुआ है। उधर नालंदा के बिहार थाना परिसर में पुलिस एसोसिएशन के नालंदा इकाई के 5 पदों के लिए चुनाव कराया गया। इसमें दीपनगर के थानेदार मोहम्मद मुस्ताक अहमद ने अपने प्रतिद्वंदी सब इंस्पेक्टर विजय कुमार झा को 66 मतों से पराजित किया। मुस्ताक अहमद जीत के बाद लोगों ने फूल मालाओं से नए अध्यक्ष का स्वागत किया। आपको बता दें कि दीपनगर के थानेदार मोहम्मद मुस्ताक अहमद एक तेज तरार इंस्पेक्टर माने जाते हैं। लातेहार के चंदवा प्रखंड में चल रही आवास योजना को गति देने को लेकर बीडीओ ने पंचायतवार समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान बीडीओ ने योजना के प्रगति रिपोर्ट की जांच की, साथ ही धीमी कार्य गति को लेकर कर्मियों को फटकार भी लगाई। बीडीओ ने वर्ष 2021-22 में आवास योजना को लेकर रजिस्ट्रेशन कार्य कराने और अधूरे पड़े आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया है।